गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग मेरे थंबनेल को देख कर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ एक पोटली का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये जो पोटली है, आप इसे बहुत तरीके से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसे एज अ ब्राइडल में आप इसे कैरी कर सकते हो, और ये एक तरह से कॉम्बो है, और इसे आप चाहो तो ड्रेस के साथ मैचिंग करके भी कैरी कर सकते हो। जैसे अगर आप हल्दी फंक्शन में जा रहे हो तो यू कैन कैरी येलो पोटली बैग, एंड मेहंदी में जा रहे हो तो यू कैन कैरी ग्रीन पोटली बैग। और मतलब इसे इट्स अप टू यू कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो। सो ये जो पोटली है, इट्स एन ऑसम। ये इतनी अच्छी पोटली है, ये 400 मुझे पड़ी है इस पोटली, ये चार की कॉम्बो में थी। सो ये जो पोटली है ऐसी है, मतलब कि ये बहुत रिच लुक देने वाला है और ये रॉयल लुक भी देने वाला है। सो ये पोटली की डिटेलिंग की बात करती हूँ, तो ये जो पोटली है, ये इसकी फैब्रिक है ना सिल्क है ना कॉटन है, ये छलकने वाला भी फैब्रिक नहीं है। इसे अगर आप चाहो तो यू कैन ईजिली टाई इट फ्रॉम द बोथ साइड, आप इसे स्ट्रेच करते हो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। सो आप लोग को लग रहा होगा ये जो वाइट है ये पर्ल्स होगा, नो, ये वाइट ये थ्रेड है, ये पूरे जरी की वर्क की हुई है। इसमें गोल्डन की जरी की वर्क है, इसमें वाइट थ्रेड की वर्क है, और इसके किनारे बीट्स दिए हुए हैं जो पर्ल्स वाले बीट्स होती है। और सबसे अच्छी बात ना, इसकी जो हैंग होती है ना, इट्स एन आई एम फैन। सो इसकी जो हैंग होती है, इसमें तीन चार लेयर लगाकर आप इसे अपने कलाई पे इसे हैंग कर सकते हो, और इसे बहुत लोग शादी में भी यूज़ करते हैं खोइचा के लिए। सो अगर ज़्यादा कोई अफोर्ड नहीं करना चाहता है और चाहता है कि इस बजट में मेरे साथ तीन चार कलर की पर्सेज हो, तो आप इसे पर्स की तरह भी कैरी कर सकते हो। सो ये रानी कलर की है, एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है, एक येलो कलर की है। ये जो था कॉम्बो, इसे देखकर आप लोग नहीं कह सकते कि 400 की है। और इसके अंदर की स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस है, आप इसमें 250 ग्राम तक के चावल को एडजस्ट कर सकते हो। और इसे आप लोग देख सकते हो कैसे मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ, इसे जब इसे खींचोगे ना डोरी को ये अच्छे से, और इसके जो डोरी में ना जो घंटी का जो बेल का जो डिज़ाइन होता है वो है। और डिटेलिंग आप लोग इसे किस तरह से मैं हैंग कर रही हूँ, सो आप लोग देख रहे हैं सारे पर्स में इसी तरीके से है। तो मैं आप लोग को सारे पर्स की दिखा रही हूँ। सेम प्रोसीजर है, इसमें भी आप उसी तरीके से आप इसे खींचते हो तो इस तरीके से होती है। सो मैं यहाँ पे चारों को कर रही थी, और फिर मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ कैसे करोगे तो आपको खुल भी जाएगी। सो स्पेस उसपेस मैं अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से चेक कर रही हूँ कि कहीं कुछ ये तो नहीं है, और इसकी डिटेलिंग भी दिखा देती हूँ आप लोग को। ये सब देख सकते हो, थ्रेड है, पल्स नहीं है, थ्रेड है, और साइड में गोल्डन की बीट भी लगी हुई है। और ये देखो जरी इतनी डिटेलिंग से है ना, आप इसे नहीं बोल सकते हो ना, घोच पोच जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन इसमें वर्क वाला है। और देखो, देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा है। सो अगर आप लोग कोई भी अगर लेना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग, यार सपोर्ट करो इसी तरीके की मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी, चीप एंड बेस्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये मैं वो लकी जो होते हैं उनको मैं ये पोटली उनके एड्रेस तक मैं गिफ्ट के तौर पे दूंगी। अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं उसे डेफिनेटली ये पोटली देने वाली हूँ, मतलब कि सारे लोगों को नहीं, मतलब कि लकी जो विनर होते हैं उसको। सो थैंक यू सो मच अगर मेरी वीडियो को पसंद की है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच फॉर अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो, थैंक यू सो मच अगर सब्सक्राइब करते हो तो बहुत सारा थैंक यू। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें।
प्लीज़, थैंक यू सो मच।